Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So this channel is iconic Surbhi and I am your Surbhi. So आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एंड स्पेशल वीडियो है. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आज पहली बार मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अर्बैनिक की ज्वेलरी इन वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस. जी हाँ, जितने भी वेरीज लगा लो आप आगे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अर्बैनिक की ज्वेलरी आप लोग जानते हो कि कितनी ज़्यादा कॉस्टली आती है, लाइक 300 और 400 से लेके 500, 600, 700, 800 तक जाती है, जो कि कुछ लोगों के लिए तो थोड़ा सा कॉस्टली ही होता है, लेकिन सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. सो मिंत्रा पर अर्बैनिक के काफ़ी टाइम से कुछ ज्वेलरी एंड यू नो अब कपड़े भी अवेलेबल होने लगे हैं, लाइक क्लॉथिंग वगैरह. तो वहाँ पे ये ज्वेलरीज का पूरा एक पेज अवेलेबल था एंड इस पर एक धमाकेदार ऑफर आया था, जब ये ज्वेलरी पीसेज आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के मिल रहे थे. बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 100 रुपीज़ ही नहीं, बल्कि ये ज्वेलरी मुझे रिसीव हुई है जस्ट एक किसी पीस का मैंने 15 रुपीज़ दिया होगा, किसी पीस का मैंने 35 रुपीज़ दिया होगा, या फिर किसी पीस का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपीज़ ही दिया होगा. सो कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है देखने में एंड मैं पसंद आ रही हूँ एंड मेरा कॉन्टेंट भी अच्छा लगता है, तो आपको चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड इस पर कॉमेंट भी कर सकते हो. सो यार जल्दी से देखते कि मैंने ये ज्वेलरी पीसेज इतने कम प्राइसेस में कैसे. जब मिंत्रा पे ह्यूज सेल स्टार्ट होने वाली थी उसके कुछ टाइम पहले ही, लाइक एक नाइट पहले ही ये सेल स्टार्ट हो चुकी थी, लाइक जहां पे आपको बिल्कुल एकदम गिरे हुए प्राइस मिल रहे थे, लाइक प्राइस ड्रॉप हो चुके थे. तो वहां पे मिंत्रा पे एक अर्बैनिक की ज्वेलरी का पूरा पेज है जहाँ पे ज्वेलरी के प्राइसेस जो हैं कुछ कम हो जाते हैं, लाइक बिल्कुल 100-100 रुपीज़ हो जाते हैं या फिर 98 रुपीज़ हो जाते हैं. तो मैंने जब ऑर्डर किया उस टाइम पे, तो मेरे पास इनसाइडर नहीं है मिंत्रा का, तो मेरे से ऑर्डर नहीं हो रहा था. मैंने अपनी वन ऑफ यू नो क्रिएटर पार्टनर से मैंने बोला कि आप ऑर्डर कर दो मेरा, एंड उन्होंने कर दिया था. बट फिर उसने आके मुझे बताया कि यार अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो चुके, लाइक उसके कुछ 2-3 आवर्स बाद जब हमने चेक किया तो 50 रुपीज़, 48 रुपीज़, 35 रुपीज़ तक की वहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल थी. मैंने फटाफट से वो पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कराया एंड जाके जल्दी से मैंने उतने ही प्राइस में, लाइक उससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में इतना बड़ा सा बॉक्स मंगवा लिया. लाइक आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी उठा ली, मतलब सारी तो नहीं कह सकते बट हाँ 7-8 पीसेज मैंने वहाँ से कलेक्ट कर लिए जो जो मुझे चाहिए थे. तो सोचा कि एक हॉल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि अगर कम प्राइस में अर्बैनिक की ज्वेलरी मिलती है तो कहीं फेक प्रोडक्ट या फिर कुछ बेकार डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं भेजते, तो वो भी शेयर हो जाएगा, रिव्यू भी हो जाएगा एंड उसके साथ साथ जो मुझे चाहिए था वो मुझे कम प्राइस में भी मिल जाएगा. सो जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से इस बॉक्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर. देख सकते हो कि काफ़ी सारे पीसेज हैं, ये बॉक्स मुझे आज ही रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा आज ही वीडियो शूट कर लेते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कुछ पीसेज मुझे रिसीव हुए हैं एंड अर्बैनिक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग के साथ, क्योंकि अर्बैनिक की पैकेजिंग एक पॉली बैग में आती है इस तरीके से, तो आप अपनी ज्वेलरी चाहो तो इसी पॉली बैग में दोबारा से लाइक रख सकते हो स्टोर करके, तो आपका जो यू नो ज्वेलरी है वो टार्निश जल्दी नहीं होगा. सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी ये वाले इयररिंग्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे थे, लाइक इसका पैटर्न मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगा था. एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे ऐसे आपको स्टोन दे रखा है एंड यहाँ पे आपको ब्लू कलर के मोती लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा वर्क है. ये आपके वेस्टर्न और एथनिक वेयर दोनों के साथ चल जाएंगे एंड इवन इंडो वेस्टर्न वेयर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लाइक थोड़ा सा इंडियन एंड वेस्टर्न लुक भी देंगे. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत. तो इस पॉली में आपको इसका टैग भी मिल जाएगा साथ में, ये 490 रुपीज़ के हैं. जी हाँ, कुछ 490 रुपीज़ इसकी रियल MRP है, बट मैंने इसे जस्ट 98 रुपीज़ में लिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस पीस है, लाइक लुक एट दैट. इस तरीके से ये टर्कोइज ब्लू कलर का है तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये. मैंने इसको देखते ही पसंद कर लिया था एंड इसी में मैंने डिफरेंट कलर भी लिया था, लाइक इस बिल्कुल सेम पैटर्न का. लेट मी जस्ट शो यू कहाँ गया वो पीस. ओके हाँ, आई हैव दिस वन एंड ये भी बिल्कुल सिमिलर पीस है, लाइक इसकी भी प्राइस जो है वो सेम ही होगी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी हाँ, 490 इसकी भी प्राइस है एंड इसको भी मैंने जस्ट 98 रुपीज़ में लिया है. लाइक लुक एट दैट, ये एकदम ऐसे करके फेस्टिव अप्रोप्रिएट कलर है येल्लो, तो मैंने इसको भी मंगा लिया एंड इसको भी मंगा लिया. सो यू गाइस कैन सी हेयर, लाइक मुझे लगा कि इसके और भी कलर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो आप देख सकते हो लाइक अब की बार अगर सेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगी तो इसके और भी कलर्स अवेलेबल होंगे. बट जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मुझे दो ही दिखे एंड दोनों ही कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने सोचा कि एक मंगा के क्या करती हूँ, दोनों ही मंगा लेती हूँ, एक मैं पहन लूँगी नहीं तो मैं एक में किसी को गिफ्ट कर दूँगी. तो अब देखते हैं कि मैं गिफ्ट करने वाली भी हूँ या नहीं, बट या डेफिनेटली ये पीस मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा जस्ट 98 रुपीज़ में. गाइस
पीस है वो कुछ इस टाइप का है, एंड ये बिल्कुल एकदम ऐसे नाइट आउट या नाइट पार्टी में आप जाओगे तो उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट पीस है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है मुझे, ये भी मुझे देखते ही पसंद आ गया था। लाइक एकदम डिफरेंट डिफरेंट यूनिक तरीके की ज्वेलरी पीसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पहनने में। सो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही लाइट वेट ईयरिंग्स हैं, लाइक बिल्कुल एकदम हल्के से पतले से मेटल के हैं। एंड लुक एट द पीस, लाइक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट ईयरिंग्स का वर्क कर सकता है ये ऐसे एकदम पार्टी टाइप में। तो आप किसी यू नो स्मोकी आई लुक करो एंड देन इसको वेयर करो, एंड बिल्कुल एकदम नाइट पार्टी अप्रोप्रिएट है ये। इसका जो कॉस्ट है वो 390 रुपीज़ है। इसको जस्ट मैंने 76 रुपीज़ में लिया है। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पहनने के बाद। लाइक आपको साइड में दिख जाएगा, मैं ज्वेलरी ऐसे वेयर करके दिखा दूंगी। बहुत ही लाइट वेट ईयरिंग्स है, लाइक आप देख सकते हो कि कैसे एकदम से ये ऐसे टर्न हो जा रहे हैं, लाइक ऐसे टर्न भी हो जाते हैं, लेकिन पैटर्न इसका एक ही साइड मिलेगा आपको देखने को, तो बहुत पतला मेटल है। नेक्स्ट जो पीस है वो भी एकदम नाइट पार्टी अप्रोप्रिएट है। लाइक अगर आप बिल्कुल ऐसे सम काइंड ऑफ ज्वेलरी पहनते हो जो आपको ऐसे गोल्डन में चाहिए हो, एंड ये मैंने जो लिया है ये 46 रुपीज़ जस्ट इसका पेमेंट किया है, एंड ये 390 रुपीज़ का पीस है। इसका मैंने सिर्फ 46 रुपीज़ दिया है। यहाँ पे इस तरीके से बी अल्फ़ाबेट बना हुआ है, तो इस तरीके से कुछ बॉसी लुक वाले यू नो ईयरिंग्स हैं ये। लाइक ये बी का मतलब है बॉस यहाँ पे, एंड लुक एट दैट गाइज, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एकदम ऐसे हॉट सी ड्रेस पहनो एंड उसके साथ इसको पहनो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीस लगने वाला है। सो मुझे तो ऐसे पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो इसको भी आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, बहुत ही अच्छी। उसके बाद जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो भी कुछ इसी टाइप के ईयरिंग्स हैं। लाइक आप वेस्टर्न वेयर के साथ ही पहन सकते हो। लाइक अर्बेनिक की ज्वेलरी जो है काफ़ी डिफरेंट होती है, एंड वेस्टर्न वेयर के लिए एकदम अगर आपको कुछ न्यू चाहिए, एकदम हॉट सा लुक करना है अपना, एंड हॉट सी ड्रेस के साथ तो उसके लिए आपको अर्बेनिक पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी पीसेस मिलते हैं। लाइक दिस वन इज़ अगेन अ वेरी यूनिक एंड स्टाइलिश पीस। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पास में ऐसे हल्के हल्के से स्टोन लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से वाइट कलर का ऐसे स्टोन दिया हुआ है। एंड ये पीस भी मुझे जस्ट मैंने इसका 57 रुपीज़ पे किया है। लाइक ये पीस भी आई थिंक कॉस्ट करता है 490 रुपीज़, बट मैंने इसका जस्ट 57 रुपीज़ दिया है। सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड। नेक्स्ट जो पीस है वो मेरे पास कुछ अगेन येलो कलर में है। लाइक इसका जो मुझे पैटर्न अगेन डिफरेंट लगा तो मुझे अच्छा लगा ऐसे, तो इस पीस को मैंने लिया है। एंड यू गाइस कैन सी हेयर कि ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एंड इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है। लाइक ऐसे शेल्फ और ऐसे करके ये जो शेल टाइप के ऐसे बने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लाइक इसमें आपको शेल प्रोवाइड किया है यहाँ पे, एंड मोतियों का वर्क है, एंड ये एडजस्टेबल है। लाइक ये अगर नीचे आ जाए तो आप इसको ऐसे करके ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हो। सो या अगेन ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, एकदम बोहेमियन लुक देगा। अगर आप कोई बोहेमियन लुक क्रिएट कर रहे हो तो इस तरीके की ज्वेलरी पीसेज उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल शेल वाले जो ज्वेलरी पीसेज होते हैं बिल्कुल बोहेमियन लुक देते हैं। एंड सेम इसी कैटेगरी में मैंने एक शेल पीस टाइप मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की है, लाइक जिसमें मुझे इस तरीके का ऐसे ये नेक पीस मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे भी इस तरीके से शेल बना हुआ है। सो एज यू गाइस कैन सी कि ये भी आफ्टर वेयरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लाइक आप अगर इसे पहन लो, केवल इसे भी पहन सकते हो, ये स्टेटमेंट पीस की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, एंड ऐसे वेस्टर्न वेयर के साथ एंड बोहेमियन लुक के लिए। एंड ऑल्सो आप इसको और इसको साथ में भी कैरी कर सकते हो, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। इनके लिए भी मैंने लाइक बहुत ही कम प्राइस पे किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्योंकि मुझे सबके प्राइस याद नहीं रहते हैं। ये आपको शायद पड़ जाएंगे 390 रुपीज़। लाइक मतलब इसका जो रियल MRP है वो 390 और ऐसे करके 490 के अंदर ही होता है, जैसे कि एज़ यूजुअल अर्बेनिक की ज्वेलरी कितनी ज़्यादा कॉस्टली होती है। बट ये मैंने जस्ट 50-60 ऐसे रुपीज़ में कुछ ली है, तो मुझे ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा एज अ सेट बनाने के लिए बहुत अच्छे लगे, तो आप इन दोनों को भी ट्राई। नेक्स्ट जो पीस है वो एक ब्लैक कलर का है। लाइक ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आपके कुर्ती वगैरह के साथ बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप वाइट या ब्लैक कलर की कुर्ती पहन रहे हो या कोई भी कुर्ती पहन रहे हो तो इस तरीके का पीस काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड मैंने लिपस्टिक दोबारा वेयर की है क्योंकि ये थोड़ी फेड पड़ गई थी। आपको पता है कि जो मनीष मल्होत्रा की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है, सॉरी सॉफ्ट मैट नहीं, हाई शाइन लिपस्टिक है, वो इस तरीके से ही फेड पड़ जाती है, तो मैंने उसी का ये शेड लगाया है। तो बाय द वे आई एम वेयरिंग दिस शेड इज़ आई थिंक ये शेड है विंटेज वाइन। तो आप देख सकते हो कि कैसे मेरी लिपस्टिक ऐसे वीडियो बनाते बनाते ही फेड पड़ जाती है। तो मैं बात कर रही थी इस ईयरिंग के पेयर की, एंड दिस इज़ कम्स इन द ब्लैक कलर, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड ये आप अपनी इंडियन ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी, बट आई फील कि ये कुर्ती के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप कॉलेज पार्टी फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। लाइक कोई भी कुर्ती पहनो उसके साथ एकदम सॉर्टेड हो जाओगे इन वाले इयररिंग्स के साथ, तो इसका प्राइस भी आपको नीचे दिख जाएगा। बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, एंड ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। लाइक थोड़े से ऐसे पकड़ने में हैवी लग रहे हैं, बट अगर कान में पहनोगे तो ये उतने भी ज़्यादा हैवी नहीं है। लाइक वैसे तो आपको साइड में ट्राई ऑन दिख जाएगा, बट मेरा इसको कान में डालने का एक बार बड़ा मन कर रहा था तो सोचा कि पहन लूँ। एंड या
दिस इज समथिंग लाइक दैट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार ये, तो मैं एक बार इसको पहन के ही रखती हूँ। सो या दिस इज लुक्स लाइक दैट, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एंड अब मैं शेयर करती हूँ आपसे अपनी लास्ट पीस है, वो कुछ रिंग्स का सेट था इस तरीके से, एंड आप देख सकते हो वहाँ पे ऐसे रिंग्स मैंने ऑर्डर की थी, एंड ये 100 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी, 117 रुपीज़ की, क्योंकि ये लास्ट में ऑर्डर आया था, लाइक लास्ट में मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर किया था, तो मुझे याद है इसका प्राइस, बट ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगी गाइज मुझे। सबसे पहले तो आप ये देखो, इसकी जो एक रिंग का स्टोन है वो निकला हुआ है, लाइक इस रिंग का इस तरीके से इस पर स्टोन लगा होना चाहिए था ऐसे ऐसे करके, बट ये देखो निकला हुआ है स्टोन, तो मैंने सोचा कि चलो निकला है कोई बात नहीं, मैं फेविक्विक से जोड़ के इसको पहन लूँगी। बट इन रिंग्स में पता है क्या प्रॉब्लम है, लाइक मेरी ये जो हैंड है ना, इसके यहाँ पे वैसे तो मैं बहुत पतली और स्किनी हूँ, बट मेरी जो उंगलियाँ हैं ना वो यहाँ की जो बोन है मेरी वो बहुत ज़्यादा ही थिक है, तो यहाँ पे मेरे ना ईजिली हर रिंग फिट नहीं होती है। अब इसकी ये वाली रिंग मुझे सम हाउ फिट हो गई, बट अदर रिंग्स मुझे ऐसे अच्छे से फिट नहीं हो रही हैं, सारी जो है ना वो इसी फिंगर में फिट हो रही हैं, लाइक इसी वाली में, बाकी सब में जाके ऐसे फंस रही हैं रिंग्स मुझे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी रिंग्स है, लाइक आप देख सकते हो ये वाली जो रिंग है ये मेरी एक ऐसे ये लास्ट वाली फिंगर में भी, ये ट्विंकल फिंगर कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, तो इस वाली फिंगर में भी ये इस तरीके से आ रही है, एंड इस तरीके से ये सारी रिंग्स आती हैं। मैं एक बार पहन के आपको दिखा देती हूँ कि रिंग्स कैसी लगती हैं। बाय द वे मेरे तो बिल्कुल फिट नहीं हो रही, किसी भी उंगली में ऐसे ढंग से फिट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है। सो या कुछ इस तरीके से ये रिंग्स हैं, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी ऐसे वर्थ इट नहीं लग रही है, ऐसे पहनने पे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बट मैं मीशो से भी मंगाने वाली थी, तो मैं सोच रही हूँ मीशो से ही मंगा लूँगी रिंग्स का सेट और मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, तो या मैं इसको रिटर्न। तो मिंत्रा पे मैंने इसका रिटर्न भी डाला था, बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लाइक लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी मिंत्रा पे, मतलब रिटर्न तो हो गया था बट शुरू में वो इतना नाटक करते हैं ना, वहाँ पे एक तो आपको बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, एक आपको मिंत्रा के ही खुद का जो वॉलेट वाला होता है वो ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे कोई UPI ID नहीं दे रखी है, मतलब सीरियसली सब लोग आजकल UPI ID एक्सेप्ट करते हैं, मिंत्रा ने अभी तक ये फीचर अपडेट नहीं किया है, लाइक ये ऑप्शन नहीं डाला है, विच इज़ वेरी बैड मिंत्रा, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो। एंड लास्टली एक और थिंग है कि चलो ठीक है नेट बैंकिंग, अब नेट बैंकिंग में मैं अपना नेट अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर भी सही डाल रही हूँ, एंड जब मैं IFSC कोड डाल रही हूँ तो वहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, लाइक सही IFSC कोड डालने के बाद भी दसियों बार मैंने ट्राई कर दिया, इनवैलिड इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ की लाइक कहाँ की कौन सी बात हुई मुझे समझ में आ रहा है। तो मिंत्रा इम्प्रूव योर यू नो सर्विसेज, ओके, हम ऐसे इजिली रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों इनवैलिड बताता है फालतू में। आज का मिंत्रा एंड अर्बेनिक ज्वेलरी हॉल, सो नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड जल्दी से इस वीडियो को करते हैं फिनिश। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके ही जाना, बिना लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर के मत जाना, आप बताना कि आपको कौन सी ज्वेलरी पीस ज़्यादा पसंद आया, एंड आप लोग अगली बार ऐसे कुछ परचेज करोगे या नहीं। एंड उसके अलावा मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो या मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो, बाय।